俺の夢は魔法帝になることなんだよ。あらあら。Hey guys, what's up? This is Upranik. Welcome back to the channel. So finally, Black Clover की मूवी आ रही है. जनता पागल है भाई इस एनिमे के पीछे. पागल हो रखी है जनता. बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि भाई कब आएगी अनाउंसमेंट, कब लाएंगे ब्लैक क्लोवर की मूवी. ऑल दो एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर द सीजन कि भाई सीजन पूरा देखेंगे. आई मीन मूवी के ऊपर थोड़ा मतलब डाइसी देखे यार, मूवी कौन ही देखेगा. बट द सेम टाइम भाई अब कुछ ना कुछ तो दे रहा है स्टूडियो, तो ले लो बस, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं भाई ब्लैक क्लोवर का. ब्लैक क्लोवर लिटरली एक ऐसा एनिमे है जिसकी पॉपुलैरिटी तब आनी शुरू हुई जब बीच में कुछ नहीं आ रहा था ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड. आई मीन मैंने भी ब्लैक क्लोवर तब देखा जब लिटरली ब्लैक क्लोवर का जहां पर उसके एपिसोड थे वहां खत्म हो चुके थे. उसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि मूवी आएगी, सीजन आएगा, और स्टूडियोज की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी. एंड ब्लैक क्लोवर इज लिटरली अ गुड एनिमे. ऑल दो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ माय हीरो एकेडमी एंड नारुतो, दोनों का कंबाइन कुछ बनाया हुआ उन्होंने. बट एट द सेम टाइम इट इज वेल रिटन, वेल प्रेजेंटेड. ओपनिंग सॉन्ग्स तो भाई मतलब आग है भाई, आग इस एनिमे के. आई मीन एक दो तीन चार पांच नहीं, तीन चार नहीं, सारे के सारे ओपनिंग सॉन्ग्स जितने भी हैं इस एनिमे के सब एक नंबर बढ़िया है. साथ साथ ये नया एनिमे है, इस चक्कर में इसकी एनिमेशन भी स्टार्टिंग एपिसोड से बहुत अच्छी है और स्टोरी भी बहुत बहुत कनेक्टिंग है. अगर मैं इस एनिमे का छोटा सा सिनॉप्सिस दूं, क्योंकि मैं मेन रिव्यू अलग वीडियो बनाऊंगा, पर छोटी सी बात में अगर समझाना चाहूं तो एक लड़का है आस्था नाम का, ही फ्रॉम द ऑर्फनेज, और पूरे का पूरा प्लैनेट है जिसमें सब लोगों के पास मैजिकल पावर्स है, सबके अंदर मैजिक है. बट ही इज द वन जिसके अंदर मैजिक नहीं है. ही इज लाइक क्वर्कलेस, जस्ट लाइक हमारा मिडोरिया, जिसके पास मैजिक पावर्स नहीं है. एंड तुम्हारे को ग्रिमोर चाहिए होती है ताकि तुम एक सर्टेन एज पे आने के बाद तुम्हें ग्रिमोर चाहिए होती है. ग्रिमोर इज लाइक अ स्पेल बुक जिसमें स्पेल देख के तुम पढ़ते हो, एंड वो उसे नहीं मिलती है. बट ही ट्रेन्स हिमसेल्फ क्योंकि उसे पता होता बचपन से कि इसके अंदर मैजिक नहीं है. एट द सेम टाइम इसके साथ का जो राइवल है, जस्ट लाइक नारुतो, सास्के एंड बाकुगो, मिडोरिया, जो उसके साथ का यूनो है, उसके पास कमाल की पावर्स है. मतलब वो बचपन से ही बहुत अच्छा है मैजिक में, और उसे भी ग्रिमोर वो मिलती है जो कि फर्स्ट विजर्ड किंग की थी, और आस्था को विजर्ड किंग बनना है. तो भाई अगर तुम्हारे साथ के बंदे के पास ग्रिमोर आ जाए जो कि विजर्ड किंग पे थी पहले वाले, तो भाई थोड़ी तो आग तो जलती है. बट आस्था इज नॉट जेलेस, वो और ज्यादा हार्डवर्क करता है, और ज्यादा मेहनत करता है. आई मीन वो अपनी बॉडी को फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है. और फाइनली उसे एक ब्लैक कलर की ग्रिमोर मिलती है और वो अपनी फाइट करना शुरू कर देता है. टीम्स में जाके सेलेक्ट होता है जो कि रॉयल नाइट्स होते हैं, उनमें जाता है और वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है. इस एनिमे के अंदर फ्रेंडशिप, टीम वर्क, मतलब डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये सारी चीजें मतलब प्रेजेंट है. और ये एनिमे की एनिमेशन स्टार्टिंग एपिसोड से बहुत अच्छी है, इस चक्कर में इसके साथ आप हुक हो जाओगे बहुत जल्दी. ये एनिमे थोड़ा फनी भी है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, थोड़ा उसको देखने में मतलब ऐसे मोटिवेशन भी आती है. एट द सेम टाइम फैमिली वाला रिलेशन, ये सारी चीजें भी हैं, तो बहुत मजा आता है. इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो फाइनली ब्लैक क्लोवर की अनाउंसमेंट आ चुकी है और 16 जून को, यस दिस मंथ, 16 जून से हमारा ब्लैक क्लोवर नेटफ्लिक्स के ऊपर एयर होना शुरू हो जाएगा, उसकी मूवी आएगी. एंड बहुत टाइम से फैंडम मतलब पागल बेसब्री से इंतजार कर रहा है. बीच में इस मूवी को डिले कर दिया गया था किसी कारण की वजह से, स्टूडियोज ने मना कर दिया था, बट फाइनली अब स्टूडियो ने एक कंफर्म नोटिस बताया हमको कि हाँ भाई नेटफ्लिक्स पे 16 जून को आ जाएगी. सो अगर तुमने अभी तक अपना ब्लैक क्लोवर से कॉटअप नहीं हो तो जाके अभी स्टार्ट कर दो, टाइम है, पूरा का पूरा खत्म करो क्योंकि मूवी आने वाली है. एंड आई विल से डोंट मिस दिस एनिमे, क्योंकि इस एनिमे की एनिमेशन भी बहुत प्यारी है, तुम्हें बहुत मजा आएगा. इफ यू आर ए डेमन स्लेयर फैन जिसको बहुत ज्यादा एनिमेशन रिलेटेड देखने में बहुत मजा आता है एनिमे, तो ब्लैक क्लोवर इज ऑल्सो इन योर नीच. सो स्टे ट्यून्ड फॉर ब्लैक क्लोवर. और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड सिनॉप्सिस वाला मतलब बढ़िया सा रिव्यू बनाऊं ब्लैक क्लोवर के ऊपर, तो मुझे तुम बता दो कॉमेंट सेक्शन में, मैं जरूर बना दूंगा. सो दैट इज फॉर द वीडियो गाइस. आई होप यू लाइक द वीडियो. पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. 50K हो चुके हैं, बट अभी भी अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, कंटेंट तो अच्छा बनाता ही हूं मैं. और डिस्कॉर्ड पे हमें ज्वाइन कर लो, 3000 मेंबर हम जल्दी कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन वॉच एनिमे एंड क्रिएट पी. सी या.